राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडाघाट में शनिवार को जिला स्तरीय कला उत्सव 2018 का आयोजन किया गया। स्कूल में आयोजित इस कला उत्सव के दौरान स्वर संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोलन भाजपा मंडल अध्यक्ष व दुधारू पशु सभा सोलन के चेयरमैन रविन्द्र परिहार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडाघाट में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सोलन भाजपा मंडल के अध्यक्ष व दुधारू पशु सभा सोलन के चेयरमैन रविन्द्र परिहार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जबकि श्रीनगर पंचायत के उपप्रधान मनीष सूद व पूर्व प्रधान गुरविंदर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 8 ब्लॉक के करीब 42 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान जिला के स्कूलों से आए बच्चों द्वारा नृत्य, स्वर संगीत, वाद्य संगीत व चित्रकला के माध्यम से अपने हुनर का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के समापन मौके पर मुख्य अतिथि ने विजेता रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सोलन भाजपा मंडल के अध्यक्ष रविन्द्र परिहार ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों की छुपी प्रतिभा निखरती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिलता है और उनकी हौसला अफजाई भी होती है। कंडाघाट में कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले के 8 ब्लॉकों से 45 प्रतियोगियों ने जो है हिस्सा लिया है। इसमें सोलो डांस, आपके 2-3 प्रतियोगिताएँ और जिनमें बच्चों ने भाग लिया है। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला और किस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हुनर छिपा हुआ है और इस कला के माध्यम से, ऐसे आयोजनों के माध्यम से उनको मंच मिलता है, उनका हौसला बढ़ता है और आने वाले दिनों में ये हुनर जो है ये जिले में, प्रदेश में और देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत कुछ उपयोगी सिद्ध होगा। मैं डाइट के इस कार्यक्रम के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।